कुंद्रा का ये वही ऑफिस है वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां से कई फोन वीडियो अलग अलग जगहों पर अपलिंक किए गए थे, यानी लंदन में भेजने का यही प्रमाइसेस इस्तेमाल किया गया था। ये वियान इंडस्ट्रीज का ये दफ्तर है, दफ्तर के ये बोर्ड्स जरूर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं, जेल स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ ये इसी दफ्तर का इस्तेमाल होता था यहाँ से फोन वीडियो भेजने के लिए। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने यहाँ रेड किया था, रेड करने के बाद इसी दफ्तर के प्रमाइसेस से कई ऐसे हार्ड डिस्क मिले थे, हार्ड डिस्क के साथ साथ फोन वीडियो भी मिला था। यहीं वो सारी तहकीकात की गई थी, इसी दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था फोन वीडियो को भेजने के लिए। यहीं इसी दफ्तर में बैठकर राज कुंद्रा जो ऑडिशन लेते थे, जो स्टार के ऑडिशन लेते थे, यहीं से इसी दफ्तर से इस्तेमाल करते थे। राज कुंद्रा यहाँ बैठकर अपने आइडेंटिटी को छुपाकर रखते थे, जिस तरीके से दावे किए गए हैं, और यही दफ्तर से इसी दफ्तर का सारा इस्तेमाल किया जाता था। इसी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कुल 10 एक्टिव डायरेक्टर थे, जिनमें से एक राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी हैं। डायरेक्टर्स में से एक नाम उमेश कामत का भी है, जो फरवरी में पॉन केस दर्ज होने के बाद डायरेक्टर पद से हट गया था। उमेश कामत कैनरीन प्रोडक्शन हाउस का भारत में प्रतिनिधि था। कैनरीन के जरिए ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पॉन वीडियो अपलोड होते थे। इसी दफ्तर में बैठकर कामत, यानी कि उमेश कामत भी इसी दफ्तर में बैठते थे। उमेश कामत वियान के एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे और इसी दफ्तर में बैठते थे। हालांकि उन्हें कैंग्रीन की तरफ से 70,000 की सैलरी भी दी जाती थी। उमेश को साल 2021 में फरवरी महीने में पकड़ा गया था, जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो इस मामले को बूस्ट किया गया था और इसके बाद पकड़ा गया था। हालांकि उमेश ने वियान से अप्रैल महीने में त्याग पत्र दिया, यानी वियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उमेश अप्रैल महीने में निकले। ये वही प्रमाइसेस है जिस प्रमाइसेस के में जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसी प्रमाइसेस में सारी चीज़ इस दफ्तर में वो सारी चीज़ें मौजूद थी, जहाँ से क्राइम ब्रांच ने हर एक सीडी, हर एक तहकीकात के वक्त ये निकाला है और ये पाया है कि राज कुंद्रा आखिर किस तरह से दोषी थे। जी न्यूज़ के हाथ अब राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े होने के कुछ और सबूत भी हाथ लगे हैं। ये चैट्स राज कुंद्रा और उनके पीए रह चुके उमेश कामत के बीच अलग अलग तारीखों की है। 10 नवंबर 2020 को राज कुंद्रा लिखते हैं कि अब तुम समझे मैं क्यों जेल में मीटिंग के लिए मना करता हूँ। किसी भी वक्त कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि बॉली फेम पर हमें बॉलीवुड कॉन्टेंट डालना चाहिए और कोई भी मूवीज लाइव ना हो। अगले ही दिन 11 नवंबर को वो लिखते हैं, हमारे पास करीब 8 से 10 करोड़ की कीमत का कॉन्टेंट है जो तुमने 5 से 6 लाख में प्रोड्यूस किया है। दूसरे उसके लिए एक मूवी के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अगले दिन 12 नवंबर 2020 को उमेश कामत ने एक फॉरवर्डेड मैसेज राज कुंद्रा को भेजा। इसमें कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितनी मूवीज चली और कितना ऑन एयर टाइम मिला, इसका हिसाब किताब था। राज कुंद्रा की चैट्स में कई ईमेल और बाकी की भी चीजों का ब्यौरा मिला है। जी मीडिया को राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी वाली एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मिली है। इस एग्रीमेंट में ऐसी कई बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि जो भी लड़की लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनेगी उसे किस तरह के फोटोज और वीडियोस अपलोड करने होंगे, उसके लिए किस साइज का बैनर बनाया जाएगा, इसका भी जिक्र इस एग्रीमेंट में है। एग्रीमेंट में बोल्ड अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है कि हॉट शॉट में शामिल एक्ट्रेस फ्रंट टॉपलेस एंड न्यूड बैक होंगी। इसी मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस को राज कुंद्रा के पाप के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही जानकारी दी। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माय हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की।
इस मामले में राज कुंद्रा के रिश्तेदार और हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरीन के सीईओ आरोपी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस पर भी चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोप यह है कि उसने राज कुंद्रा को गिरफ्तार नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। यह आरोप न्यूफ्लिक्स कंपनी के मालिक और पॉन केस में फरार आरोपी यश ठाकुर ने लगाए हैं। यश ठाकुर के मुताबिक उसने मार्च में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई से संवाददाता राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.